ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः मङ्गलाचरणम् ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 30 बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेत् बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेत् अपेक्षेत तथा सति अपेक्षेत तथा सति स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यताम् मा कुतर्क्यताम् तर्क्यताम् मा कुतर्क्यताम् स्वानुभूतिरविद्यायाम् आवृतौ च प्रदर्शिता अतः कूटस्थचैतन्यम् अविरोधीति तर्क्यताम् विद्याने मुनि तर्क की क्यों आवश्यकता है वो हमें समझाते हैं। बुद्धि आरोहाय आत्मज्ञान बुद्धि में सुस्थिर हो जाए प्रतिष्ठित हो जाए तर्कम अपेक्षेत ये तर्क की अपेक्षा है तथा सती स्वानुभूति अनुसारेण तर्क्यताम तथा सती माने की इस कारण से ऐसा होने से तर्क्यताम तर्क करना योग्य है क्यों आत्मस्वानुभूति अनुसारेण अपने अनुभव के अनुरूप तर्क करना आवश्यक है
मातु कुतर्क धाम, कुतर्क करने के लिए, दुष्तर्क करने के लिए कोई स्थान नहीं है। आप समझो, तर्क की अपेक्षा हमें भी है लेकिन दुष्तर्क की अपेक्षा नहीं है। और इसलिए कल मैंने जैसे कहा कि अपना अनुभव, शास्त्र क्या कहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, शास्त्र यही कहते हैं कि आप क्या इच्छा करते हो। हमने आगे भी देखा, सुखम वैश्या दुखम मा भूत, मुझे सुख की अनुभूति हो, दुखम मा भूत, कभी भी दुख न पड़े। और वो सुख कैसा है, मुझे अनंत सुख की अपेक्षा। किसी भी व्यक्ति को आप पूछ लो कि किसी भी मनुष्य का आप पूछ लो, उनको जो सुख की अपेक्षा है, स्वानुभूति मानी कि आपका अनुभव क्या है, आपके कौन से प्रकार का सुख चाहिए। किसी भी मनुष्य को अगर हम पूछते हैं तो आपको जो सुख की इच्छा है वो कैसा है, आज मैं दुखी हूं कल मैं दुखी नहीं हूं, आपको ऐसा चलेगा क्या? आप एक दिन सुखी है एक दिन दुखी है, ऐसा चलेगा? नहीं, हमें हर रोज सुखी होना है। आप एक देश में एक स्थान पर सुखी है, दूसरे स्थान पर आप सुखी नहीं हो, आपको चलेगा? नहीं, हर देश में हमें सुखी होना है। आप थोड़ी वस्तु, थोड़ी व्यक्ति, थोड़ी परिस्थिति आपको सुखी करती है, बाकी की आपको सुखी नहीं करती, आपको ऐसा चाहिए? नहीं, हर एक व्यक्ति के पास हर एक वस्तु के पास हमें सुख की अपेक्षा है। अब सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु से हमें सुख की अपेक्षा है। आप समझे, ये आपकी अनुभूति है, स्वानुभूति माने कि आपका अनुभव क्या कहता है, आपकी इच्छा क्या कहती है। आपको देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न सुख की इच्छा है, अनंत सुख की इच्छा है। आप समझो, चौथा, आपको बहुत प्रयत्न के बाद सुख की इच्छा है कि अनायास सुख की इच्छा है। हमें अनायास सुख की इच्छा, आयास रहितम स्वतंत्रम सुखम, आपको सुख मिलेगा लेकिन किसी और के पर आपको पराधीन होना पड़ेगा। क्या ये पराधीनता आपको पसंद है? नहीं, महर्षि हमेशा ये कहते थे कि किसी को पराधीनता पसंद नहीं, मुझे सुख चाहिए लेकिन वो स्वतंत्र सुख होना चाहिए। और ज्ञान सहितम, आपको सुख मिले लेकिन अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो आपको सुख की अनुभूति होगी? नहीं होगी। हमने देखा आगे कि अन्य देश में पुत्र का जन्म हुआ है लेकिन अगर वो उनको व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है कि मुझे मेरे घर पुत्र प्राप्ति हुई है तो उसके पुत्र सुख का अनुभव होगा? नहीं होगा। और इसीलिए देश, सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु से, सर्वत्र सर्वदा सर्वतः आयास रहितम ज्ञान सहितम स्वतंत्र सुख की हमें इच्छा है। आप समझो, तो स्वानुभूति अनुसार है ना तर्क्यता, अपने अनुभूति के अनुरूप तो आप तर्क करो। तर्क ही अगर आपको करना है तो आप अपने अनुभव पर चलो। आपको तो अनंत सुख की इच्छा है लेकिन आप जो कर रहे हैं वो क्या आपको अनंत सुख देने वाला है? आप कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म स्वयं अनित्य है, कर्म स्वयं जड़ है, तो वो आपको अनंत सुख की प्राप्ति कैसे करा सकते हैं? अब समझो, न कर्म न कर्म फल न कर्तृत्व। और इसलिए आपका अनुभूति जो है, मुझे अनंत सुख की इच्छा है, ये आपकी इच्छा है। और इसीलिए अगर हमें अनंत सुख की प्राप्ति करनी है
समझो ये तर्क। अब समझो, देखो कई बार ऐसा होता है हम बोलते हैं लेकिन उनका जो अर्थ है ना वो हमें समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान भी कहते शब्द ब्रह्म अनुवर्तते अतिवर्तते, ये शब्द से ऊपर उठना पड़ेगा, शब्द से का जो अर्थ है उसको समझना पड़ेगा। अगर तर्क से हम समझते हैं तो हमें अनंत सुख की इच्छा है, सर्व देश सर्व काल सर्व वस्तु अनायास अज्ञान सहित स्वतंत्र सुख के लिए अगर एक शब्द का प्रयोग हम करें तो वो है अनंत सुख, पूर्ण सुख स्वरूप। लेकिन इससे आगे हमें तर्क से समझना पड़ेगा कि अगर आपकी इच्छा अनंत सुख की है और वो सर्व देश में सर्व काल में है, अगर वो सर्व देश में है तो यहां होना चाहिए तभी तो मैं अनंत होगा, सर्व काल में है तो अभी यहां होना पड़ेगा उनको। समझते हो, माने आपकी जो इच्छा है वो अभी यहां होना होगा और आपसे अलग हो रहेगा, अगर वो आपसे अलग है तो वो अंतमान हो जाएगा, अनंत नहीं रहेगा। और इसीलिए आपको अनंत सुख की इच्छा है, अगर अनंत सुख की आपको इच्छा है तो यहां अभी वो सुख होना चाहिए। अब समझो ये तर्क। और अगर ये सुख अभी यहां है वो अनंत है, आपसे भिन्न नहीं हो सकता, आपसे अगर वो सुख भिन्न हो गया तो वो अंतमान हो जाएगा। तो इनका अर्थ यह हुआ कि आपको जो अनंत सुख की इच्छा है सर्व देश में सर्व काल में सर्व वस्तु से ज्ञान सहित आयास रहित स्वतंत्र, देखो ये छह पॉइंट में ये छह जो मुद्दे हैं मैं इसलिए बार बार बोल रही हूं कि आपकी समझ में आना पड़ेगा। ये छह जो है मिलके एक शब्द बनता है अनंत सुख है, अगर वो अनंत है तो यहां अभी आपसे अभिन्न वो होना चाहिए। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं तर्क से हमें बुद्धि पर आरोहित करना पड़ेगा, तर्क की अपेक्षा है। अगर हमारी समझदारी ठीक करनी है तो तर्क की अपेक्षा हमें है। अगर आपको अनंत सुख की इच्छा है तो वो अनंत सुख यहां अभी आपसे अभिन्न होना चाहिए, आपसे अलग हो ही नहीं सकता। अब देख, इतनी अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का तर्क समझो। आपको किसी भी अज्ञात वस्तु की इच्छा होती है क्या? कभी भी कोई अज्ञात वस्तु की इच्छा संभव नहीं है। जिसकी भी इच्छा हमें होती है वो इच्छा हमारे लिए ज्ञात होती, हम जानते हैं। अब और अगर आपको अनंत सुख की इच्छा है तो इनका अर्थ यह हो गया अनंत सुख आपके लिए ज्ञात है, अज्ञात नहीं है। अब समझो यह तर्क। अगर ज्ञात है तो फिर इच्छा क्यों करते हो? देखो इसीलिए ज्ञान और इच्छा जो है ना, ज्ञान पूर्वक इच्छा है, पहले वस्तु का ज्ञान है फिर बाद में तो हमें उसकी इच्छा होगी ना, अज्ञात वस्तु की कोई इच्छा नहीं कर सकता। लेकिन यहां अनंत सुख की हम बात कर रहे हैं तो अगर वो अनंत सुख है और ज्ञात भी है तो फिर इच्छा क्यों करते हैं हम? आप समझते हो। और इसीलिए ये तर्क है मूला विद्या, माने कि आप जानते नहीं हो कि आप अनंत सुख स्वरूप हो, आप नहीं जानते। अगर आप जानते तो आपको इच्छा करने की दुखी होने की कोई संभावना ही नहीं है।
देखो इसलिए वेदांत जो है वो आपको समझाता है, तर्क से समझाता है कि आप जिसकी इच्छा कर रहे हो वो अनंत सुख है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत है, आप समझो। लेकिन आप जानते नहीं हो और इसीलिए आप इच्छा कर रहे हो। ब्रह्म सूत्र भी क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप देखो शंकराचार्य जी कहते हैं ये विरोधाभास है। आप देखो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इच्छा होगी नहीं, लेकिन यहां तो जिज्ञासा है। आप देखो ज्ञान की इच्छा, जानने की इच्छा है, लेकिन अज्ञात का तो इच्छा हो नहीं सकती, ज्ञात की इच्छा होती है। तो फिर ज्ञान की इच्छा जो है, जिज्ञासा जिसको हम कहते हैं, वो स्वयं में विरोध है। ज्ञान पूर्वी का इच्छा होती है और फिर ज्ञान की ही इच्छा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब देखो। और इसलिए विद्यार्थी में कहते हैं तर्क अपेक्षते, तर्क की अपेक्षा है, क्योंकि हमारी सोच में जो है, हमारी सोच ही अयोग्य है। और इसीलिए ये जो मूला विद्या है, जो आवरण करके बैठी है, जिसके कारण हमारे स्वरूप जो अनंत सुख स्वरूप है वो ढक गया है, ये आवरण शक्ति है। ये आवरण शक्ति को समझने के लिए और आवरण शक्ति की निवृत्ति के लिए अब तर्क की अपेक्षा है। और इसलिए कहते हैं स्वानुभूति अनुसारेण तर्क्यताम, अपने अनुभव के अनुरूप आप, उनके अनुसार आप तर्क करो। आप समझो ये विरोधाभास है। इच्छा है अनंत सुख की, लेकिन अगर सुख की इच्छा है वो ज्ञात होना चाहिए, अगर वो ज्ञात है और अनंत है तो इच्छा संभव नहीं है, फिर भी इच्छा है। मातु कुतर्क्यताम, कभी कुतर्क मत करो। माने कि इसीलिए स्वामी जी कहते हैं सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉर्ट, आप जिसकी इच्छा कर रहे हो, साधक जिसकी इच्छा कर रहे हैं, वो साधक स्वयं ही है, आप स्वयं ही है। आप समझो जो आप इच्छा कर रहे हो तो आप स्वयं अनंत सुख स्वरूप हो, लेकिन आप जानते नहीं है इसलिए इच्छा कर रहे हो। आप समझ रहे हो ये विरोधाभास, ज्ञान के बिना इच्छा नहीं होती है और जानते नहीं है इसलिए इच्छा है। आप देखो, और इसीलिए शास्त्र को भी तर्क से बात करना पड़ेगा, तभी तो वह हमारी बुद्धि की समझ में आएगा, हमारी बुद्धि में आरूढ़ होगा वो। और इसलिए कहते हैं मां कुतर्क का, कुतर्क मत करो। आप तर्क समझो कि आप जो इच्छा कर रहे हैं वो आप स्वयं हो, लेकिन आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हो और इसलिए आप इच्छा कर रहे हो, और उसी को हम मूला विद्या कहते हैं। और वो जो मूला विद्या है वो दो प्रकार की, एक आवरण है, दूसरा एक आवरण रूप है, और दूसरी जो है विक्षेप रूप है। और अभी ये आवरण रूप की हम बात कर रहे हैं, इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं स्वानुभूति ही अविद्यायाम आवृतौ च प्रदर्शिता, स्वानुभूति ही अविद्यायाम। अब देखो अविद्या में और आवरण में, अविद्यायाम सप्तम विभक्ति, अविद्या में आवृतौ आवरण में भी स्वानुभूति ही च प्रदर्शिता, आगे वो प्रदर्शित, आगे आपका अनुभव हम दर्शाते गए। आप समझो आपकी अनुभूति क्या है, आपकी इच्छा क्या है। अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरोधीति, आप कूटस्थ चैतन्य अविद्या का विरोधी नहीं है। चैतन्य जो कूटस्थ चैतन्य जो है वो तो विद्या को भी प्रकाशित करता है, अविद्या को भी प्रकाशित करता है। आप अज्ञानी है, मैं अज्ञानी हूं, तो अज्ञानी को, अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाले तो आप ही हैं। आप समझो,
ज्ञान को भी आप प्रकाशित करते हो, अज्ञान को भी आप प्रकाशित कर रहे हो। और इसीलिए कूटस्थ चैतन्य जो है वो कभी भी अविद्या का विरोधी नहीं है। इति तर्क्यताम, ये तर्क करना है। हम तर्क्यताम माने तर्क से हमें समझना पड़ेगा कि जो कूटस्थ चैतन्य जो सबका अधिष्ठान तया जो है, जो निर्विकारी सर्व का अधिष्ठान असंग कूटस्थ चैतन्य जो है वो तो अविद्या का विरोधी नहीं है, अविद्या का प्रकाशक है वो। अविद्या का अधिष्ठान भी वही चैतन्य है, अविद्या का प्रकाशक भी वही कूटस्थ चैतन्य है। और इसीलिए चैतन्य जो है अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकता। अब समझो, पुनर्विकारी है, असंग है, अधिष्ठान है, सबको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। और इसीलिए अज्ञान को भी सत्ता और स्फूर्ति कहां से मिलती है? कूटस्थ चैतन्य से मिल रही है। अविद्या नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, अविद्या है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। लेकिन जिस प्रकार की भी जो अविद्या है वो अविद्या का प्रकाशक भी आप है, अविद्या का अधिष्ठान चैतन्य भी आप ही है। और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं थोड़े तर्क से समझने का प्रयत्न करो आप कि जो कूटस्थ चैतन्य है वो किसी का भी विरोधी नहीं है। अब समझो ठीक से, इसलिए भगवान कहते हैं गुणातीत मानी क्या है? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। न द्वेष्टि प्रवृत्तिम च, आपकी बुद्धि में अगर प्रकाश माने की सात्विकता है, मोह माने की राजसिकता है, अरे प्रवृत्ति माने राजसिकता है, मोह माने की तामसिकता है, मूढ़ता है। लेकिन आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो ये तीनों प्रकार की अवस्था को प्रकाशित कर रहे हैं। और इसीलिए न उनकी निवृत्ति की इच्छा है, न उनकी प्रवृत्ति से आप द्वेष कर रहे हैं। द्वेष्टि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न कांक्षति, क्योंकि आप तो प्रकाशक है, अधिष्ठान है आप। इसलिए हम जब तर्क से समझते हैं तो हमारी समझ में आता है कि अविद्या का प्रकाशक भी चैतन्य है, अविद्या का अधिष्ठान भी चैतन्य है। अब और इसलिए कहते हैं तर्क्यताम, इस प्रकार से जो मुमुक्षु है, जो साधक है, उसे ये समझना पड़ेगा कि जो कूटस्थ चैतन्य जो है वो किसी का भी विरोधी नहीं। अनुमंता, भगवान कहते हैं अनुमंता, उपद्रष्टा अनुमंता च, सबका दृष्टा है मानी सबका प्रकाशक है, अनुमंता मानी सबको अनुमति दे रहा है, सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है वो। उपद्रष्टा अनुमंता च, किसी का कोई विरोध नहीं है उसको। और इसीलिए ये कूटस्थ चैतन्य जो है वो किसी का भी विरोधी नहीं, अविद्या का भी विरोधी नहीं। और इसलिए कहते हैं अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरोधी इति तर्क्यताम, कूटस्थ चैतन्य किसी का भी विरोध नहीं करता है। उपद्रष्टानुमंता च, बहुत सुंदर है, आप समझो आप वो चैतन्य स्वरूप है जो सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको अधिष्ठान प्रदान कर रहे हैं। और आप समझो आगे हमने क्या देखा कि अब मूला विद्या हमारी समस्या है, तो विद्या विद्या तो निवर्तते, तो विद्या से उनकी निवृत्ति होगी। कूटस्थ चैतन्य से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है। और इसलिए अविद्या है तो विद्या भी विद्या की अपेक्षा है, और अगर विद्या की अपेक्षा है तो तर्कबद्ध रूप से हमें समझना पड़ेगा। और इसीलिए आगे के श्लोक में विद्यार्थी मुनि कहते हैं 32वां श्लोक, तच्चेद् विरोधी केनेयम्, तच्चेद् विरोधी केनेयम्, आवृत्तिर्यनुभूयताम्, आवृत्तिर्यनुभूयताम्, विवेकस्तु विरोध्यस्य।
विवेकस्तु विरोध्यस्याः विवेकस्तु विरोध्यस्याः तत्त्वज्ञानेनि दृश्यताम् तत्त्वज्ञानेनि दृश्यताम् अब देखिए तत्विरोधि चेत् केन यमावृतिः अनुभूयताम् चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो किसी का भी विरोधी नहीं है। अगर आप समझते हो कि वो विरोधी है तत् विरोधी चेत माने कि अगर संभावना एक है तर्क से एक संभावना हम रखते हैं अगर वो विरोधी है तत् विरोधी चेत अगर कुटस्थ चैतन्य अविद्या का विरोधी है कुटस्थ चैतन्य आवरण का विरोधी है अब समझो केन यम आवृति ही अनुभूयता तो फिर ये जो आवृति जो आवरण है वो किसके द्वारा अनुभव होगा ये अविद्या का जो अनुभव है आवरण का जो अनुभव है वो किसको होगा अब क्योंकि मैं अज्ञानी हूं ये आपका अनुभव है आप अपने आप को मैं अज्ञानी हूं मैं मर्त्य हूं मैं दुखी हूं ये अन्य कोई आपको नहीं कह रहा है ये आपका अपना अभिप्राय है और इसीलिए अगर ये जो अगर ये विरोधी नहीं है आप समझो केन यम अनुभूयत किसके द्वारा ये आवरण का किसके द्वारा अविद्या का अनुभव हो रहा है अगर चैतन्य अविद्या का विरोधी है तो फिर अविद्या संभव ही नहीं है लेकिन अविद्या है आवरण भी है आवृत्त है और इसलिए अगर चैतन्य विरोध कुटस्थ चैतन्य अगर विरोधी है तो फिर किसके द्वारा ये अनुभव हो रहा है कल मैंने कहा ना इसलिए लोग पूछते अविद्या कहाँ है किसकी है जो पूछ रहा है उनकी अविद्या है अगर अविद्या नहीं होती तो आप दुखी नहीं होते अगर अविद्या नहीं होती तो आपके जन्म मरण की कोई संभावना ही नहीं है और इसलिए कूटस्थ चैतन्य आवरण अविद्या का विरोधी नहीं है क्योंकि अगर अविद्या का विरोधी होते तो ये सुख ये आवरण का अज्ञान का अनुभव ही संभव नहीं है केन अनुभूयता किसके द्वारा यह अनुभव होगा किसके अनुभव में यह आएगा समझते हो माने कि वो संभव नहीं है कुटस्थ चैतन्य अविद्या और आवरण का विरोधी है ये संभव नहीं है क्योंकि ये हमारा अनुभव है देखो इसीलिए वेदांत कहते हैं कि आपका जो अनुभव है वो तर्कबद्ध नहीं है आप अनंत सुख की इच्छा कर रहे हो लेकिन अगर वो अनंत है वो तो आप ही होना चाहिए इसलिए कबीर भी क्या कहते गए लहर ढूंढे लहर को कपड़ा ढूंढे सूत जीव ढूंढे ब्रह्म को अब देखो तीनों ऊत के ऊत अब वो मूर्खों का भी सरदार है तरंग सोचता है पानी कहाँ है कपड़ा सोच रहा है तंतु कहाँ है उसी प्रकार से जीव ढूंढ रहा है किसको ब्रह्म को ढूंढ रहा है वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है लेकिन वो ढूंढ रहा है और ये ढूंढ रहा है इनका अर्थ ये हो गया कि अविद्या है आवरण है आप समझते हो मैं क्या कहता हूं अगर कुटस्थ चैतन्य विरोधी होता तो अविद्या का या आवरण का अनुभव संभव नहीं है लेकिन सबको अविद्या का अनुभव है सबको आवरण का अनुभव है और इसीलिए कुटस्थ चैतन्य कभी भी आवरण का या अविद्या का विरोधी नहीं है विवेक तो अस्याः विरोधी तो फिर अविद्या की अगर निवृत्ति करना है तो उनका विरोधी हमें चाहिए और विरोधी कौन है विवेक
तत्व विवेक जो है वो विवेक ही ये अविद्या का विरोधी है, कूटस्थ चैतन्य नहीं। तत्व विवेक जो है, तत्व विवेक विचार जिसको कहते हैं, तो विवेक विचार ही ये विरोधी है, उसी से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। अविद्या की निवृत्ति होगी तो आवरण की निवृत्ति हो जाएगी, और आवरण की निवृत्ति होती है तब आपका जो स्वरूप है वो अभिव्यक्त होता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं दृश्यताम तत्व ज्ञानिनी, सप्तमी विभक्ति तत्व ज्ञानिनी मानी की तत्व ज्ञानी में हम ये देख सकते हैं। क्यों? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, वो अपने आप में ही सुखी है, उनको सुखी होने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है। सुखी, उनको सुखी नहीं होना है, वो जानता है मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। उनको ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। और इसीलिए विवेक अस्याः विरोधी, अस्याः विद्यायाः विरोधी विवेक, यह अविद्या का जो विरोधी है वो विवेक है, तत्व विवेक है। तत्व विवेक से ही अविद्या की निवृत्ति होती है, कूटस्थ चैतन्य से नहीं, क्योंकि कूटस्थ चैतन्य तो उनका विरोधी ही नहीं है। अगर विरोधी होता तो अविद्या का आवरण की जो अनुभूति है, अनुभव जो है, वो संभव नहीं। और इसीलिए कहते हैं तत्व विवेक के द्वारा ही अविद्या की निवृत्ति होती है, और इसीलिए तत्व विवेक अविद्या का विरोधी है, कूटस्थ चैतन्य अविद्या का विरोधी नहीं है। ये सबका अनुभव है, इसलिए आगे कहा स्वानुभूत्या तो अपनी अनुभूति के अनुरूप, आपके आपके जो अनुभव में जो आता है उनके ऊपर आप विचार करो। आपका अनुभव क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं? अगर आप सोच, आपके सोच में ही विरोधाभास है। देखो इसलिए वेदांत में जब पहली बार आते हैं तो वेदांत आपके अंदर पड़े हुए विरोध को दर्शाता है, अब कूटस्थ चैतन्य है फिर भी आप इच्छा कर रहे हो, अनंत सुख स्वरूप है लेकिन आप इच्छा कर रहे हो। अगर आपको इच्छा है तो ये इच्छा पुरवार करती है कि अविद्या है और आवरण भी है। और इसलिए कहते हैं कि वो अविद्या का विरोधी कूटस्थ चैतन्य नहीं है, तत्व विवेक ज्ञान जो है वो उनका विरोधी है। और तत्व ज्ञानी में हम ये देख सकते हैं कि तत्व ज्ञानी में अविद्या भी नहीं है और आवरण भी नहीं है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, यस्तु आत्मरतिरेव सत् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः, अन्य की अपेक्षा नहीं, उनकी क्रीड़ा भी आत्मा में है, उनका रमण भी आत्मा में है, उनका संतोष भी आत्मा में है। संतोष के लिए, रमण के लिए अन्य कोई की अपेक्षा नहीं है उनको, क्योंकि वो अपने को ही अनंत सुख स्वरूप समझते हैं। और इसीलिए एक बार अपने को आनंद स्वरूप समझ लिया, बाहर कैसी भी परिस्थिति है, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ज्ञानियों के अनुभव से हम देखते हैं, ज्ञानिनी दृश्यता, आत्मज्ञानी में हम ये देख सकते हैं। निर्ममः निरहंकारः स शान्तिमधि गच्छति, न ममता है न अहंता है, फिर ये शांति की अनुभूति है उन्हें, सुख की अनुभूति है उन्हें। और इसीलिए कूटस्थ चैतन्य स्वयं विरोधी नहीं है, अविद्या का विरोधी विवेक विज्ञान है, और इसीलिए विवेक विज्ञान की अपेक्षा है। और इस प्रकार से आवरण क्या है, आवरण का स्वरूप क्या है, आवरण के अनुसार आपकी अनुभूति क्या है, ये समझाया। अब विक्षेप रूप जो मूला विद्या है उनके बारे में हमें अभी समझाते हैं। 33वां श्लोक,
अविद्यावृत कूटस्थे देहद्वययुताचितिहि सुक्तौ रूप्यवद्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि कल बताया दो है, आवरण है मानी अग्रहण है और विक्षेप है मानी कि अन्यथा ग्रहण है। अग्रहण मानी आपका जो स्वरूप है आप जानते नहीं हो और आपका जो स्वरूप नहीं है उसी को आप सत्य मान के चल रहे हो, अन्यथा ग्रहण। तो विक्षेप क्या है? अविद्यावृत कूटस्थे, अविद्या से आवृत कूटस्थ चैतन्य में देहद्वय युताचिति ही। अब देखो ये जो देहद्वय है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, ये दोनों से युक्त चिति ही, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उन्होंने क्या कर दिया? आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उन्होंने ये स्थूल देह में अहम बुद्धि करके रखी है, सूक्ष्म देह में अहम बुद्धि करके रखी है। इस प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म देह के साथ आप संयुक्त हो गए, युत माने की जुड़ गए हैं आप। चैतन्य स्वरूप आत्मा में ये देह, स्थूल देह और सूक्ष्म देह जुड़ गया है और इसलिए कहते हैं मैं देह हूं, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। और इसीलिए ये जो कूटस्थ चैतन्य जो अविद्या से आवृत हुआ है वही चैतन्य स्वरूप आप ये दोनों देह के साथ जुड़ गए हैं, माने कि देह में अहम बुद्धि करके बैठे हैं। कैसे? सुक्तौ रूप्यवद अध्यस्ता, जिस प्रकार से जो छिप होती है तो छीप में हम क्या करते हैं? रूप्यादि, रूप्यादि माने चांदी, सिल्वर रूप। तो सिल्वर का हम क्या करते हैं? अध्यस्त करते हैं, अध्यास करते हैं। क्यों? वो सूर्य के किरण से वो छीप जो है वो चमक रही है और उसकी चमक जो है वो सिल्वर रजत की तरह है। तो ये रजत के समान चमक रही है और इसीलिए हमें ये मन में आता है वहां रजत है, सिल्वर है। तो वो सुक्तिका है, वो छीप है, वो अज्ञान है और वो जो नहीं है उसका अध्यास करके हम बैठ गए। विक्षेप अध्यास एव ही, इस प्रकार से विक्षेप रूप या भ्रांति रूप जो अध्यास है वो भी वही है, आप जो नहीं है उसी का आपने अपने आप पर अध्यास करके बैठे। स्थूल देह आप नहीं है, सूक्ष्म देह आप नहीं है, लेकिन वो अविद्या के कारण ये अविक्षेप हुआ है और विक्षेप रूप अविद्या के कारण आपने आप जो नहीं है वो मान के रखा है। आप स्थूल देह नहीं हो, आप समझो। देखो यहां भी अनुभव देखो, आपका अनुभव क्या है? ये देह जो है आपका अनुभव है यदृश्यम तज्जडम, आप दृष्टा है वो चैतन्य स्वरूप है और जो दृश्य है जो आपके अनुभव में आता है वो जड़ है, अनित्य है। तो ये स्थूल शरीर जो है वो भी आपके अनुभव में आता है कि नहीं? संपूर्ण जगत पंचमहाभूत का बना हुआ है और जब वो पंचमहाभूत का बना हुआ है तो वहां पांच अनुभव है हमारे। आकाश के कारण शब्द के अनुभव है, ये शब्द का अनुभव है हमें। वायु के कारण स्पर्श का अनुभव है, अग्नि के कारण रूप का अनुभव है, जल के कारण रस का अनुभव है और पृथ्वी के कारण गंध का अनुभव है हमें। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच प्रकार का जो अनुभव हमारे है वो अनुभव ये जगत में हमें हो रहे हैं।
और ये जो स्थूल जगत है, तो स्थूल जगत जो है वो स्थूल पंच महाभूत से बना हुआ है, और स्थूल पंच महाभूत जो है आकाश जो स्थूल है, जो स्थूल आकाश भूत है, उसमें आधा आकाश है, बाकी के जो आधा है उनके चार विभाग करते हैं। वो चार विभाग क्या है? वो चार विभाग जो है वो वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। तो आकाश का स्वयं का विषय जो है वो शब्द है, लेकिन जो स्थूल आकाश जो है जिसमें पांचों महाभूत होने के कारण वहां पांचों प्रकार की अनुभूति है। इसलिए जगत जो स्थूल जगत जो है, ये स्थूल जगत में आप कोई भी वस्तु ले लो उसमें ये पांच है। अगर आपके पास पुष्प है, आप समझो, तो पुष्प में भी शब्द है, ध्वनि है, आवाज आती है उनकी भी, उनका एक स्पर्श है, मुलायम स्पर्श, नरम स्पर्श है उनका, उनका एक आकार है, रंग है, उनका स्वाद भी है और उनके गंध भी है। तो एक पुष्प जब हम कहते हैं तो पुष्प में पांचों विद्या, पांचों विषयों का अनुभव हमें है, और हमारा अनुभव ये कहता है कि जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वो विषय है, विषय है माने कि वो अन्य है आपसे, आप अहम हैं और ये जगत जो है विषय है, इदम है। यह दृश्यम तद जड़म, वो अन्य है, जड़ है आप सब। तो पांच विषयों का ये जगत में आप अनुभव कर रहे हैं और आप बहुत दृढ़ता से जानते हो ये जगत मैं नहीं। उसी प्रकार से यही तर्क आपको लेना है और देखना है ये शरीर जो है, ये शरीर में भी शब्द है, ये शरीर में शब्द है, ये शरीर में स्पर्श है, ये शरीर में रूप है, गंध है, रस है। तो जैसे बाहर के जगत में शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, उसी प्रकार से ये शरीर में भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। इस प्रकार से हमें विवेक करना पड़ेगा कि अगर ये भी शब्द स्पर्श रूप रस है तो वो अहम नहीं हो सकता है, फिर भी क्या हुआ? स्थूल देह युता चिति ही, ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है ये स्थूल शरीर से एक हो गया है, यो संयोग उनका हो गया है। अब तो जो संभव नहीं है वो संभव हो गया है, उसी को विक्षेप कहते हैं, उसी को अध्यास कहते हैं। जिस प्रकार से छीप में रजत संभव नहीं है, उसी प्रकार से देह में अहम बुद्धि संभव नहीं है, फिर भी हम अहम बुद्धि करके बैठे, उसे विक्षेप कहते हैं। विक्षेप रूप मूला विद्या जो है जिसके कारण हम ये शरीर में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, हमारे अनुभव में आ रहा है ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, फिर भी हम ये शरीर को मैं कहते हैं। अब जो शरीर के साथ होता है उसे हम अपना मान लेते हैं। मैं वृद्ध हो गया, मैं रोगिष्ट हूं, आप रोगिष्ट नहीं हो, आप तो असंग चैतन्य हो। जो भी रोग है, जो व्याधि है वो शरीर में है, आप में नहीं है, लेकिन शरीर में अहम बुद्धि करके हम क्या कहते हैं? मैं रोगिष्ट हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं। अब तो बाहर के जगत में हम जो शब्द स्पर्श रूप रस है वहां हम अहम बुद्धि नहीं करते, लेकिन ये देह में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं। स्थूल देह युताचिति ही, उसके साथ हम जुड़ गए हैं, उसमें हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर भी दृश्य है, वो दृश्य होने पर भी आप उनमें अहम बुद्धि करके बैठे हैं। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं
अविद्या जो है एक आवरण रूप है जो आपके स्वरूप को ढक रही है, और दूसरी अविद्या है जो आप नहीं है उसमें आपको अहम बुद्धि करवा रही है, जो है उसका ग्रहण नहीं होता है और जो नहीं है उसी को अहम मान के हम चल रहे हैं। तो इसीलिए अग्रहण भी है अन्यथा ग्रहण भी है हमारे जीवन। और इसे आगे कहते हैं विक्षेप अध्यास एव ही, ये विक्षेप रूप अध्यास है, विक्षेप रूप भ्रांति है कि हम स्थूल देह में सूक्ष्म देह में अहम बुद्धि करके बैठे हैं। ये अहंता जो है हमारी देह में जो हमारी अहंता है वो हमें दुखी कर रही है। देह आपको दुखी नहीं कर रहा है, अब समझो ठीक से, ये देह आपको ये नहीं कह रहा है कि मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, नहीं। देह तो अपने आप को विकारी ही पूर्व सिद्ध करता है, देह तो अपने आप को जन्म मरण वाला ही सिद्ध करता है, फिर भी अब देखो देखो इसलिए मैं कहती हूं आपकी अनुभूति क्या है। जैसे जगत में 5 विषय है उसी प्रकार से ये शरीर में भी 5 विषय का अनुभव आपको ही है, फिर भी आप ये शरीर में अहम करके बैठे हैं। ये भ्रांति जो है अध्यास है उसी को विक्षेप कहते हैं। विक्षेप अध्यास तो आवरण रूप भी अविद्या है, विक्षेप रूप भी अविद्या है। आवरण रूप से आप स्वरूप को नहीं जानते हो और विक्षेप रूप अविद्या के कारण आप जो नहीं है उसी के साथ आप अहम बुद्धि करके बैठे हैं। मैं देह हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं। देखो सीधे सीधे कोई ऐसा नहीं कहेगा मैं देह हूं, आप ठीक से समझना, कोई सीधे सीधे ऐसा क्या नहीं कहता मैं मनुष्य हूं। लेकिन जो जो देह को हो रहा है उसको मुझे हो रहा ऐसा मानते हैं। बुखार ये शरीर को आता है, ये शरीर तप रहा है, लेकिन कहते क्या है मुझे बुखार आया है। शरीर को डायबिटीज हुआ है और कहता है मुझे डायबिटीज हुआ है। अटैक हार्ट को आता है, बोलता है मुझे हार्ट अटैक आया। अब देखो चिन्मयानंद जी को जब हार्ट अटैक आया उस वक्त तो ये एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कुछ नहीं था, आप समझो। तो उनके जो शिष्य थे बहुत दुखी हो गए, स्वामी जी को हार्ट अटैक आया। तो चिन्मयानंद जी बहुत सुंदर कहते थे मुझे नहीं हार्ट अटैक आया, मेरे हार्ट को अटैक आया है। अब देखो अब समझो, ये जो हार्ट अटैक वो आपको ने जो हुआ है वो हृदय को हुआ है, लेकिन हृदय में अहम बुद्धि करके बैठे हैं इसलिए आप सुखी दुखी होते रहते हो। मुझे एसिडिटी हुई है, एसिडिटी आपको उधर को हुई, आपको नहीं हुई है। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लंबा हूं। अब और इसलिए कहते हैं ये विक्षेप अध्यास रूप ये विक्षेप है जो आपने करके रखा है, मूल अविद्या जो आवरण रूपी अविद्या है इसके कारण ही ये विक्षेप रूप अविद्या है, ये सबका अनुभव है। इस प्रकार से आवरण रूप भी अविद्या है और विक्षेप रूप भी अविद्या दोनों ही है, ये हमारा अनुभव है। अब सुन देखो, इसलिए मैं गिर गया तो ये शरीर गिर गया, क्या बोलते मैं गिर गया। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आवरण भी है, अग्रहण भी है और विक्षेप भी है। विक्षेप रूपी मूला विद्या जो है जिसके कारण जो आप नहीं है उसको आपने अहम मान के रखा है,
लेकिन वो विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि जैसे बाहर के जगत में हमें विषय बुद्धि है, इसी प्रकार से यहां भी हमें विषय का अनुभव है। आप जानने वाले हो, आप ज्ञाता है, आप दृष्टा है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है। आप देखो उपद्रष्टा सबको देखने वाला है, सबको अनुमति देने वाला है। भर्ता भोक्त सबको भरता, सबको भरण पोषण करने वाले, सबको अधिष्ठान प्रदान करने वाले आप हैं। सबका प्रकाशक भी आप ही है। फिर भी ये जो प्रकाश्य जो है, जो विषय कोटि में है, उसी में आपने अहम बुद्धि करके रखे है और इसीलिए आप दुखी हो रहे हो। जो आप नहीं है उसमें आप अहम बुद्धि करते हो। ये विक्षेप रूप जो अध्यास करके बैठे हैं, जो ये विक्षेप अध्यास है, वही आपका दुख का कारण है। और ये विक्षेप रूप अध्यास कैसा है वो अगले श्लोक में दर्शाते हैं, हम कल देखेंगे। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यंक्षो रहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।